लो बथोरे सब तपना था शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामना भोलेनाथ सब भाई बहन सुख समृद्धि प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज हम घर में चार लोग थे, वे चारों के चारों भर्ती थे। माता जी सवेरे 5 बजे पहुंच गई थी जोगियाला मंदिर भिवानी में। हम लोग पहुंचे थे 7 बजे नहा धोके। वैसे तो भिवानी को छोटी काशी कहते हैं, इसकी हर गली हर कूचे में मंदिर है, पर जोगी वाले मंदिर का अपना ही महत्व है। जैसे ही मंदिर पहुंचती है माता जी अपनी सभी छात्रों से हमें इंट्रोड्यूस करती है, लुगाई सबके चरण स्पर्श करके सबका आशीर्वाद लेती है। ये हमारी प्यारी माता है, नित्य सुबह 5 बजे मंदिर में पहुंचकर अपना भजन कीर्तन चालू कर देती है। आज हमारी किस्मत अच्छी थी, जैसे ही मंदिर में पहुंचते जो मंदिर के मुख्य मैन थे वो मिल जाते हैं, चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेता हूँ। माता जी और उनकी टोली कई सालों से इसी मंदिर में लगातार आ रही, इसी करके बाबा जी हमें पहचान लेते हैं और हमें खास तौर पर आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। कावड़ियों का आना अभी जारी था, हमारे सामने एक भाई बहुत बड़ी भव्य कावड़ लेके पहुंच गया। तभी माता जी ने हमें बेलपत्र और धतूरे के फूल दिए, जो मंदिर के गर्भगृह में जाके शिवलिंग पे अर्पित करने थे। अब पंचामृत वाला जल लेके, धतूरे के फूल लेकर और बेलपत्र लेके हम लोग लग जाते हैं लाइन के सबसे आखिर में, जो बहुत ही लंबी लगी हुई थी। लाइन में भी अड़बात करनी हम लोग नहीं भूलते। नमन एक टांग पे खड़ा था, उसकी टांग में गोड्डा मार के गिराने की कोशिश करता हूँ। लाइन बहुत ही धीरे धीरे सरक रही थी, रास्ते में मिलता हमें एक सत्संग आलो, उसके बाद जाता हमें ये पेड़ हरा भरा नीम का पेड़ था, वो मंदिर के प्रांगण में खड़ा था। अब मिलता हमें एक शोकेस, जिसके अंदर बहुत से इनाम रखे थे जो इस मंदिर के अखाड़े वाले पहलवानों ने जीते थे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इस मंदिर के अखाड़े के अंदर। बहुत साधारण सा मिट्टी का तालाब जैसा दिखने वाला अखाड़ा वर्ल्ड क्लास के पहलवानों को तैयार करता है, और भिवानी जिला तो फेमस ही अपने बॉक्सरों और पहलवानों को लेके है। लाइन धीरे धीरे सरकती जा रही थी, तभी हमें मिल जाता है एक बहुत ही प्यारा भाई जो अपने परिवार के साथ जल चढ़ाने के लिए आया था। भाई के साथ फोटो खिंचवाता हूँ, हेलो करता हूँ। 1 घंटा लाइन में चलने के बाद हमें मुख्य मंदिर में प्रवेश मिल जाता है। मुख्य गर्भगृह में 3-4 भाई बैठे थे जो नारे लगा रहे थे, जल्दी चलो मखा लुगाई फटाफट सामान कर ले, गणित टिकने नहीं देंगे। पर ये दोनों भाई अपने जानकार मिलते हैं, अपने व्लॉग देखते हैं, भाइयों का हेलो करता हूं, फोटो खिंचवाता हूं उनके साथ। आखिरकार जल चढ़ाने का हमारा भी नंबर आ गया था। मैं सब भाई बहनों की मंगल कामना के साथ जल चढ़ाता हूं, खासतौर पर उन भाई बहनों की जो बाढ़ की हालतों के शिकार है। जल चढ़ा के बाहर निकलाते बाहर एक बाबा जी चरणामृत दे रहे थे, वहां से चरणामृत ग्रहण करता हूं। यहां मिल जाते हैं मैं 3-4 छोटे भाई बहन, सबके साथ हेलो करता हूं, फोटो खिंचवाता हूं, फिर आगे निकलता हूं। माता जी हमारी मुलाकात कराती है महाराज जी से, छोटे महाराज जी थे मंदिर के जो सारा देखरेख करते हैं, और भाइयों से मिलने का सिलसिला यहां जारी रहता। तभी मैंने लुगाई तो पूछा था चरणामृत लिया के, बोला ना मैंने तो पाया है, मैं उसको जगह बताता हूं। लुगाई बाजा के चरणामृत ले लेती है, साथ साथ नमन को भी ले जाती है। यहाँ एक और प्यारे भाई मिलते हैं, विनोद नाम से, फोटोग्राफर का काम करते हैं, जो लाइन को छोड़ के यहाँ पे आए थे। पहले मैंने सोचा कहीं आप चले ना जाओ, मन ना भाई साहब आ रहे हूँ, बाढ़ देख रहा हूँ, पहले जल चढ़ा के आओ फिर मिल लेंगे। थोड़ा सा आगे गया तो भाई प्रसाद वितरण का प्रोग्राम चल रहा था, भाई प्रसाद में भी पेड़े देने लग रहे थे, वो भी लक्ष्मी बीकानेर वाले का। ये भाई भी अपने सारे लोग देखते हैं, भाइयों के साथ आए लोग करता हूँ, नमस्कार करता हूँ सबको। इन्हें भंडारा भी लगा रखा था, भंडारा भी लगा रखा था भाइयों ने खीर का। भाइयों ने बहुत रिक्वेस्ट करी खीर खाने के लिए, मखान ना भाई बर्तियां सिर्फ शाम ने खावेंगे, माता जी डोली में खीर गलवा ली। अभी हमें यहाँ कुछ और प्यारे भाई मिल जाते हैं, एक भाई का एक्सीडेंट हो रहा था, भाई मोटरसाइकिल गिर गया, बाइक कावड़ देने गया था, फिर दूसरा भाई मिलता, सब भाइयों के साथ हाथ मिलाता हूँ, हेलो करता हूँ। यहाँ हमें एक प्यारी गुड़िया भी मिलती है जो बहुत बढ़िया मेहंदी लगाती है, उसकी माँ के हाथों में मेहंदी देखो कितनी सुंदर लगा रखी है, भोला पार्वती दोनों बना रखे हैं। अब हमें यहाँ मिलते हैं श्याम मंडली के सदस्य, जो 30 युवाओं का एक ग्रुप है जो तरह तरह के धार्मिक कार्यों का आयोजन करते हैं। किस्मत से श्याम मंडली के प्रधान जी भी यहाँ थे, उनसे भी भेंट वार्ता करता हूँ, आगे निकलता हूँ। पूरा मेला लगा हुआ है, बड़कों के लिए खेल खिलौने सब कुछ दे रखे हैं। ये देखो पहले चिड़िया तोता उड़ाते थे, अपना लोहे का आता था, आजकल प्लास्टिक का आना शुरू हो गया। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा भाई मिल जाता है जो अपने सारे लोग देखता है, भाई को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं छोटे महाराज जी के साथ निकल लेता हूँ मंदिर के गाड़ियों का काफला देखने के लिए। महाराज जी ने मेरे को ये जीप दिखाई जो 37 साल पुरानी अभी भी चालू हालत में थी, इसी जीप के द्वारा इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा पूरी की है। मंदिर के अंदर हमें प्यारे भाई मिलते जा रहे हैं, जो अति स्नेह से हमारा व्लॉग देखते हैं। मैं सब भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, भाई बहुत प्यार दिया भाइयों ने, मैं आभारी रहूंगा आपका सदा। जल चढ़ाने के बाद सभी भाइयों से विदा लेकर हम लोग सीधे पहुंच जाते हैं घर। भैया बहुत तगड़ी प्यास लगी हुई थी, मैं लुगाई फटाफट पानी ला दे, लुगाई 3 गिलास पानी लिया, 2 मन्ना पिया, 1 पिया माता जी ने, पानी देते लुगाई जुट जाती है। चाय बनाने में हमने तो कही है, तो आप क्यों बनाओ, बोला मेरा जी कर था, ठीक है मारी बना ले भाई, देख लो साथ साथ घी का पाचा किसी लाग नहीं, लुगाई गरा भी गिराड़ भी गीठा जाता है इसने। 1 नंबर की चाय बना के लिया भाई, लुगाई कलर देखते दिल खुश हो गया, मेरे खाते तो कप में लाई, पर माता जी खातर लाई कटोरी में, खामा के चक्कर तो कटोरी में क्यों पिया करे, बोला मैंने कप में सुवाद कौन लग दी। आज हम लोग जल्दी उठे थे इसलिए 2 घंटे सोने का चोटा मार लिया, जैसे सो के उठ के आए तो माता जी माला फेरन लग रही थी, हमारी माता जी रोज 50 माला फेरा करे ओम नमः शिवाय की। अब समय हो गया था फलाहार करने का, लुगाई पपीता काट कर लिया, आम काट कर लिया, कुछ आम थे चूसने वाले साथ में लिया, केले पे हम सारा कुंबा जुट जाते हैं खाने में। बाहर आ गई थी बारिश, लुगाई लगी वाइपर गला फर्श साफ करने में, पवन आ जाता है मेरे पास होका लेके आ गया, दोनों आदमी बैठ के बातचीत करने लग जाते हैं। तभी हो गया शाम का समय, लुगाई ने तैयारी कर दी खाने की, आज अब आप व्रत खोल लाए सामक की खीर के साथ, और लुगाई ने 2 रोटी पोती गौ माता के लिए, दोनों आइटम तैयार हो गया, खीर भी रेडी होगी रोटी भी रेडी होगी। अब लुगाई ने रोटियां गीला के चौपड़ दिया, बीच में 1 चम्मच दर देती है खीर की, फिर मेरे तो याद दिवा बोला सिलेंडर धर के ले रहे हैं खाली गाड़ी में, याद से निमा जमाए भूले बैठा था, सिलेंडर लिया हंडन ला रहे थे मंदिर में भी साथ लेकर चले गए हम, इसने गाड़ी में तो खाली सिलेंडर से तार लिया हूँ, दर देता हूँ उसको, भाई बड़ा सिलेंडर काट लेता हूँ, बड़ा सिलेंडर पैक कर दे गाड़ी के अंदर, भाई माता जी ने पाछे तो आप पैक करवा लेगी। खाली सिलेंडर में तो बहुत जनी था, भरा ठाक देखा था बहुत गड़ा वजन पाया, फिर मैं आइडिया लग गिरा के ले जाता हूँ गाड़ी के पास में, चुगड़ता चादर लपेटूर कर देता हूँ गाड़ी के अंदर पैक, सिलेंडर धर के वापस आया तो लुगाई ने बर्थ खोलने की तैयारी पकड़ दी थी, खीर ली आई थी, खीर धर दी पंखे के नीचे, सीढ़ी होगी थी, उसके बाद जो खीर आप मंदिर में भंडारा में लेके आए थे वह खीर इसके अंदर मिला देती है, मंदिर के भंडारे वाली खीर का प्रसाद मिलाते भैया, सारी खीर प्रसाद के रूप में बदल गई थी, आज तो जीसा ही आने वाला था, आप प्रसाद खाकर व्रत खोलने वाले थे। सबसे पहले एक थाली देते हैं माता जी को, भाई फिर मेरा नंबर आता है, पहले तो मैं खाऊं चमचिया गल पर ज्ञान साया नहीं, माता जी बने पिंदी दिख जाती, मैं भी थाली ठाकर पीने लगे उन्हें चढ़ चढ़।
अब सब मनसाना भाई खीर गले पेट की सोड़ सी भर ली थी, लुगाई ने चलने की तैयारी पकड़ दी है, सारा सामान पैक कर लिया भाई। रात ने एसी का कवर तारा था वो वापस चढ़ा देती है, एक आइटम और लेकर चल पड़ी भैया थी गड़गमर, बाकी कई सौदे और ले लिए उसने करते हैं। माता जी का आशीर्वाद लेके हम लोग निकल लेते हैं, माता जी जोड़ा ठाकर बाहर तक आई, बिला बाय करूंगी महाराण दिन मात्रा गोडा दुख है तू बैठी रहे, बिला नाम तेरा बाय करके फेरे जान दूंगी। कुछ पुराने कपड़े लेके आए थे मेरे नमन केर लुगाई के, माता जी दे देते हैं भाई योग्य पात्र ने, माता जी अपना अपरा देगी। गाड़ी स्टार्ट करी थी तभी गौ माता दिख जाती है, गौ माता को रोटी खिलाता हूँ, निकल लेते रास्ते में एक भाई ने और पहचान लिया, भाई के साथ आए लो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ। रास्ते में आ गई एक और समस्या भाई, गाड़ी टीआरसी ऑफ दिखाने लगी, मैं यहाँ के समस्या मैंने गाड़ी आने फोन करा भाई टोयोटा आने नहीं, बोला कोई बात नहीं जी सर्विस कराना होगा जब ठीक कर देंगे। अस्सी तक लकड़े थे भाई केएफसी वाली मार्केट आगे, लुगाई नहीं बोली दो मिनट आड़ा ला ले कोई नया सौदा आ गया होगा तो देख लेंगे। गाड़ी पार्किंग में लाके उतरा था भाई, रास्ते में मिल गया हमने दो तीन प्यारे भाई, भाइयों के साथ आए लो करता हूँ फोटो खिंचवाता हूँ, फिर आड़ा ला रखी थी एमजी एक्टर वाला गाड़ी भाई, इनकी इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही थी उसको चेक करने के लिए मैं भी पहुंच जाता हूँ। मां छोटी गाड़ी बना रहे भाई, सबन दानी पर की लागे क्यूट सी थी सुतरी सी थी, चार आदमी ने बैठा ले जा रहे पचासी नब्बे की स्पीड पर 230-40 किलोमीटर थी यह गाड़ी चल जाए, सिर्फ बिजली बिजली दे, मां एक नंबर की चीज बनाई भाई। गाड़ी देख के आगे निकले तो भाई इस मार्केट के मैनेजर साहब मिल जाते हैं, जो अपने सारे व्लॉग देखते हैं भाई के साथ आए लोग करता हूँ, फिर बढ़ जाते हैं टी शर्ट की दुकान में। मेरी सलाह थी भाई जिम में जान खातर एक दो टी शर्ट लेने की, मेरे तो दो टी शर्ट एक धोली एक लीली भाई, रोज में पैर का जाया करता, चार पांच टी शर्ट पैर का देखी भाई, कोई लाल कोई पीली पर सुवाद सा नहीं, बाकी एक फिला की टी शर्ट पागी मेरे समझ में आ गई, मैं बाहर लेकर लकड़ा इतना में लुगाई तो भाई गठड़ी लिए हंड सोदा की, मेरे तीन बोली तू कुर्सी बैठ जा मैं तेरा पैर पर दिखाऊंगी, मैंने बड़ी यार खराब बता दिया भाई, प्राइस वाले टैग में देख नहीं पाया मैं, न्यू चुकर बताऊं बढ़िया खराब ने ना ना करते भी लुगाई तीन चार आइटम तो पाड़े लाए भी, पहुंच गए सीधे बिलिंग काउंटर पर, भाई ने बिल बना दिया भाई, कार्ड दे दिया कार्ड पे पेमेंट कर दी, भाई ने सौदा सबटा पैक कर दिया, लिफाफा में निकल लेते हैं बाहर। गाड़ी दौर पहुंचे तो एक प्यारे सरदार जी हमारी वेट करने लग रहे थे, बिला जी एक घंटे तक खड़े हूं आपके सारे व्लॉग देखता हूं, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, फोटो खिंचवाता हूं, निकल लेते हैं घर के लिए, घर पहुंच गए आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, सारे बाण भाइया ना जीतराड़ भाई की राम राम।